Lively Weekends, Lively Weekends, जो भी खाए कहता जाए, Lively Weekends, प्यार बढ़ाए, Lively Weekends, Lively Weekends, होते हैं साथ. Assalamualaikum and good morning everyone. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. So let's get a little creative on our gratitude. कल हो सकता है कि आपने दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा नोटिस ज़रूर किया हो कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन आपने कभी उनका शुक्र ही ना किया हो. तो आज भी हम यही करेंगे कि कुछ ऐसी यूनिक और मुनफरिद मुख्तलिफ चीज़ों का हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला से. और क्योंकि देखें बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे उनका शुक्र अदा करते रहते हैं अल्लाह ताला से. वो हमारे जिसे कहते हैं ना ज़बान पे इस तरह से रची हुई हैं कि वो एज़ अ रूटीन बाय डिफ़ॉल्ट निकलती रहती हैं. अल्लाह तेरा शुक्र है हमें अच्छी सेहत दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अच्छी औलाद दी है, अच्छा कारोबार दिया है. लेकिन अब हमारा जो मैं कल से यही चाह रही थी कि थोड़ा सा क्रिएटिव होते हैं ग्रैटिट्यूड के हवाले से, यानी कि कुछ ऐसे अपने दिमाग पे जोर डालकर कुछ ऐसी जगहों का ऐसी चीज़ों पे हम नज़र डालते हैं जो हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो भी रही हैं लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं, ना हमारा ध्यान गया हो कि हम इसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें. तो आज ज़रा सा आप भी गौर कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और दिमाग को लेकर जाइए ऐसी चीज़ों पे जहाँ आप समझते हैं कि हाँ इस जगह पर तो किसी का ध्यान गया ही नहीं होगा. तो कॉल कीजिए और शेयर कीजिए. अच्छा जी, आज का जो हमारा शो है, पहली मर्तबा आ रही हैं ये गेस्ट और बहुत अच्छा लगता है जब कोई फ़र्स्ट टाइम आता है हमारे शो पर और उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, उनको जानने का और उनसे कुछ मुख्तलिफ सीखने का भी मौका मिलता है. ये वैसे तो ब्यूटिशन की बेटी हैं, ख़ुद भी ब्यूटी के हवाले से बहुत कुछ जानती हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं बाकायदा लोगों को, ख़वातीन को. इसके अलावा कुकिंग का भी बहुत शौक़ रखती हैं और आज ये एज़ अ कुकिंग एक्सपर्ट आई हैं हमारे सामने. ज़रा इनको बुलाते हैं और ज़रा सी गपशप लगाते हैं. अस्सलाम वालेकुम सफ़ा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं आप कैसी हैं? खैरियत से, इतनी प्यारी सी है. जब इसने कहा ना ये ट्रेनिंग भी देती है ब्यूटी की, मैंने कहा ब्यूटी टिप्स तो ज़रा सा आज हम आपसे ले ही लेंगे, कुकिंग तो सीख ही लेंगे. इतनी अच्छी स्किन है माशाल्लाह से सफ़ा, ऐसी पिंकी पिंकी, ये कैसे किया है? नेचुरली है शायद ये? नेचुरल है, मैं ज़्यादा मतलब फॉलो नहीं करती बहुत ज़्यादा स्किन के रूटीन, ये वो सब नहीं, नेचुरल है कम से कम. लेकिन केयर तो करती होगी कुछ ना कुछ के, मैं जैसे डेली रूटीन के अंदर अच्छे से मेंटेनेंस रखती हूँ. पर एक होता है ना बहुत ज़्यादा स्किन के रूटीन भी आपके लिए जो जो प्रॉब्लम करती है वो चीज़ ज़रूरत नहीं. गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह से, आप तो रोज़ शुक्र करती होंगी. नहीं अपना चेहरा देखें, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी स्किन, यू नो हमने स्किन का भी अपनी कभी शुक्र अदा नहीं किया. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है. छोटी छोटी चीज़ के लिए जो है वो रहते हैं कि मतलब कुछ कमी है. हाँ कुछ कमी है और प्लस बस घिसी पिटी एक दुआ कर दी, एक शुक्र कर दिया, बस काफ़ी है अल्लाह के लिए ना. अच्छा जी सफ़ा, आज हम आपसे क्या सीख रहे हैं? आजो हम पीछे आ जाते जो है हम. हाँ जी, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ. आज हमारी जो मेन डिशेज हैं वो ये स्मोकी बिरयानी बना रहे हैं. ठीक है, ये स्पेशली मेरी अपनी जो है वो रेसिपी है. अच्छा. हाँ, इसके अंदर मतलब मेरा अपना ओन वर्जन बिरयानी होती है ना. अच्छा? मैंने उस तरीके से इसको वो किया है. इसके अलावा हम अंगारा चिकन बना रहे हैं. ठीक है. और अंगारा चिकन क्या वो बहुत मिर्चों वाली होगी? नहीं नहीं, वो एक थोड़ा सा रेड कलर जो इनहेंस होता है तो इसलिए इसका नाम अंगारा है. ठीक है, अंगारा चिकन सही. और इसके अलावा फिर हम जो है वो थाली फिश बना रहे हैं. थाली फिश? थाली फिश, थाली फिश बेसिकली हमारी जो है खानदान की एक ट्रेडिशनल डिश है. अच्छा. हाँ, बेसिकली ये मेरे नाना की रेसिपी है. अच्छा. अरे हाँ, भाई ये मेरे नाना की रेसिपी है और मेरे नाना बहुत अच्छी बनाते थे. और इसकी जो स्पेशलिटी ये कि ये थाल में सर्व होती है. अच्छा, वाइट राइस के साथ थाल, क्योंकि यहाँ पे हम छोटा प्लेटर है. हाँ, हम प्लेटर करेंगे. आपको थाल दे देंगे जी. अच्छा, वैसे मुझे बताओ सफ़ा, कुछ ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हो आप या? हाँ, खाने के हवाले से मतलब ये कि बहुत ज़्यादा मतलब लेती हूँ, ऑर्डर्स भी हैं. हाँ, काफ़ी हैं. कोई पेज वगैरह बना हुआ है आपका? अभी रिसेंट तो नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ये अभी रिसेंट आफ्टर लॉकडाउन ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया है. सही है. तो ये अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है. अच्छा. अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह मेरी प्रोफेशनल जो है वो हम अपना ऑफिशियल पेज वगैरह बनाएंगे. अच्छा. और अगर ब्यूटी के हवाले से कुछ ट्रेनिंग कोई खवातीन लेना चाहें तो कोर्सेज वगैरह आप देती हैं क्या? बिल्कुल, मैं जो है वो कोर्सेज वगैरह करवाती हूँ. इसके अलावा मैं ट्रेनर हूँ.
कहाँ पर ट्रेन कर रही हो? मैं SDC में ट्रेनिंग दे रही हूँ. अच्छा, SDC में एज अ ब्यूटिशियन ट्रेनर. SDC क्या है? स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, वहाँ पे मैं ट्रेनर हूँ और जो है वो ब्यूटिशियन के ऑल कोर्सेज करवाती हूँ. अच्छा, चलो ठीक है. अच्छा जी, हम ब्रेक भी आ रही है, लेकिन ब्रेक में हम ये बता देते हैं, चावलों का पानी उबाल लिया है? चावलों का पानी हमने उबाल लिया. चावल जो है वो हम बॉइल करके निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन हम फुल डन नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर एक कनी छोड़ देंगे चावल की. सही है. और इसके साथ साथ फिर हम अपना मसाला स्टार्ट करेंगे. बस सही, तो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि प्याज ब्राउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, क्योंकि ब्राउन नजर आने की भी तो टाइम सेव हो जाएगा. जी जी, ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे. बाकायदा आज मज़ेदार सी रेसिपीज हैं जो हम सीखेंगे सफ़ा से, मिस नहीं कीजिएगा. एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं. आ जाए जी, वेलकम बैक. सफ़ा इंतज़ार कर रही थी कि हम बिरयानी का आगाज़ करें. अच्छा, चावल हमने उबालने रख दिए, इसमें कुछ डालना है आपने? नहीं, हमने नमक डाल दिया था चावलों के अंदर और हमने नॉर्मल चावलों को मतलब बॉईल करके निकाल लेना है. दूसरी तरफ हमने पैन में ऑयल को थोड़ा सा प्री हीट करना है. इसके अलावा हम जो है अपने सारे गर्म मसाले जो हैं वो सब ड्राई गर्म मसाले हम इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ सिनेमन स्टिक डाल रहे हैं हम इसमें, ठीक है, ठीक है, और जो है यहाँ पे ये लौंगे हैं 3 से 4 हमने इसमें ये लौंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है, और ये इलायची है, बिल्कुल, ठीक है, बादियान का फूल, ये कितने? अच्छा, ये हम भी सारे डाल रहे हो. अच्छा, इसका जो है वो बहुत अच्छा आता है. अच्छा, अब वैसे हम ये कितने किलो, कितना लिया है आपने चावल? ये हम जो है 1 किलो चावल है. हाँ, और जो है ये 1 किलो बिरयानी चिकन है. देख बना रही हो, ठीक है. एक हम बड़ी इलायची डालेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ ये काली मिर्चें इसमें डालेंगे, ठीक है, 1 टेबल स्पून पूरा साबुत गर्म मसाला, साबुत गर्म मसाला सब. एक 1 तेज़पत्ता हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, 2 डाल देंगे मीडियम साइज, सही है, और जो है बस ये हमारे सारे गरम मसाले इसके अंदर जाएंगे, ये थोड़े से रोस्टिंग होंगे. अच्छा, और इसके बाद जो है थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देते हैं. ये खास सफ़ा की अपनी रेसिपी है ना, थोड़ा सा वैसे सीखा कहाँ से है सफ़ा? आपने अम्मी से? ये मैंने अपनी अम्मी से, नानी से. हाँ, अच्छा, बस घर में ज़्यादा सीखा, शौक़ बहुत था. हाँ, बस घर घर में सबको देख देख के सीख लिया. तो अब थोड़ा बहुत रुझान इस तरफ भी, हाँ, इस तरफ भी आ गया. चलो सही है. अच्छा, इस ये थोड़ा सा रोस्ट मीट है. हाँ, मज़े की लग रही है वो जो आपने मिर्चों का पेस्ट कूटी हुई है ना उससे. अच्छा, इसके साथ साथ ये थोड़ा सा रोस्ट, अब इसमें हम जो है 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा के, ठीक है, सही है. इसके साथ साथ हमारे पास ये, अच्छा, इसमें जो है हम कुटी हुई हरी मिर्चें हैं मेरे पास. हाँ, ये मैंने 4 से 5 जो है वो कुटी हुई हरी मिर्च ली हुई है, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है 1 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे. अच्छा, अच्छा, हम ज़्यादा इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो कुटी हुई मिर्च भी डाल रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे. एग्जैक्टली, ठीक है. अच्छा, अब ये थोड़ा, आपको भी हर कराची वाले की तरह बिरयानी का शौक है? बिरयानी का, हाँ, कराची वाले बिरयानी का, कराची वाले तो दीवाने हैं ना बिरयानी, बहुत ज़्यादा. और यहाँ जैसी बिरयानी बनती भी कहीं बनती भी नहीं है कहीं पे. एग्जैक्टली. अच्छा, यहाँ पे जो है मेरा अदरक लहसुन और हरी मिर्च थोड़ी सी अच्छे से ये वो हो गई है ऑयल के अंदर, तो इसके अंदर मैं अब अपना चिकन ऐड कर दूँगी. ठीक है, सही है. चिकन इसके अंदर अपना ऐड कर दूँगी, इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे. मसाला मज़े का हो तो फिर बिरयानी मज़े की बनती. बिल्कुल. अच्छा, ये 1 kg चिकन की जो है ये रेसिपी है, ठीक है. आप इसके साथ चाहें, अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो इसके फिर इंग्रेडिएंट उसी के मुताबिक आप बढ़ा सकते हैं. सही है, ठीक है. अच्छा, हमें जो है वो बड़ा पतीला चाहिए होगा दम देते वक्त, क्योंकि ये दोनों मेरे हाथ से साइज़ छोटे होंगे. क्वांटिटी काफ़ी है. अच्छा, इसमें जो है, हाँ, नहीं, हो जाएगा इसी के अंदर ही हम इसको दम लगाएंगे, ठीक है. अच्छा, ये देखें, हमने इसके अंदर जो है ये सारे मसाले
ऐड, मतलब जो हरा मसाला था और जो गरम मसाला था हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ हम लोग जो है चिकन को अच्छे से जो है वो सौते कर लेंगे इसके अंदर, कि ये चिकन जब तक वाइट हो जाए, पानी चिकन का जो अपना पानी होता है उसको अच्छे से ड्राई करना है। अच्छा। फिर उसके बाद हम अपने टोमेटोज ऐड करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन का अपना एक जो कचक और एक जो होती है इसका स्मेल वो ख़त्म हो जाती है, तो इसमें हमें अच्छे से ऑयल के अंदर इसको सौते करना है। यहाँ पे हमारे चावल भी हैं, उसको हमने भूला नहीं क्योंकि चावल जो है हमने, मैंने बताया कि एक कनी हमने उसके अंदर छोड़नी है। अच्छा जी, आप लोगों को फिर से हम रिमाइंडर दे दें कि आज प्रेयर हॉल में शाम 4 बजे से 7 बजे तक टेलीथॉन का जो है वो इनिशिएटिव लिया है। हम नेटवर्क ने तमाम चैनल्स जो हैं वो टेलीथॉन टेलीकास्ट करेंगे, और अगर आप लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अगर आप लोग कराची में हैं, वहाँ आना चाहते हैं, वहाँ कुछ खाने पीने के अशिया आपने देने हैं, ये फ्लड रिलीफ के लिए हमने बेसिकली ये टेलीथॉन अभी रखी हुई है, तो कपड़े हों, खाने पीने की चीज़ें हों, टेंट्स हों, वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ डोनेट भी करना हो तो सारी डिटेल्स उस वक्त लाइव टेलीफोन के ज़रिए आपको सब पता चल जाएगा, कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, क्या हैं, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और अगर घर बैठे बैठे कुछ डोनेट करना चाहते हैं, नेकीत का एक बीज बोना चाहते हैं, इस कैर खारे कैर में शामिल होना चाहते हैं, तो ज़रूर अपना हिस्सा डालिएगा। अच्छा देखिए, इस पॉइंट पे अब हम अपने जो है वो टमाटोज ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये जो है वो 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। हाँ। ये मैं इसमें जो है वो सारे ऐड कर दूँगी, ठीक है, ताकि वो साथ ही उसके चिकन के गलते रहेंगे। अब इसी के अंदर जो टमाटर में हम लोग जो है, अब इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड करना है नमक, ठीक है, नमक हम इसमें हसबे जायका यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अच्छा, प्याज क्योंकि ऑलरेडी ब्राउन की हुई इसलिए हमने अभी नहीं डाली है, प्याज हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, ठीक है, प्याज हमने बिल्कुल एंड में डालेंगे जब ये पूरा मसाला अच्छे से ये भुनाई पर आएगा। टमाटर इसके अंदर अपना पानी छोड़ेंगे। अब इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड करना है। पानी डालने के बाद इसको हम हल्की सी आंच में करके ढक देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। सही है, ठीक है, बस ये हमारी जो है ये बहुत ही सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। हाँ। बहुत इजी टू कुक है, यानी इसमें आप अगर देखें तो सारे ऑल गरम मसाला है, ठीक है। हाँ। और इसके अंदर हमने जो स्पाइसी में मेन जो है कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, इसके बाद कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आपने कोई हल्दी धनिया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, इसके अंदर ये भी है कुछ भी नहीं, जस्ट ऑल गरम मसाला, इजी टू है। हमने इसके अंदर साबुत लाल मिर्च डाली है, सॉरी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके अंदर जो है हमने नमक डालना है। इसी के अंदर अब हम थोड़ा सा पानी मुझे चाहिए, मज़े की लग रही है वैसे, ये है ना वो बहुत ज़्यादा 1/2 कप जितना हम इसमें पानी रखते हैं, ठीक है, और इसको ढक के रखना हो, ये है इसका, हाँ इसका ढक्कन नहीं है बस। हाँ। अच्छा, यहाँ पे हम अपने चूल्हा जो है वो थोड़ा सा हल्का करेंगे, ठीक है, ठीक, मीडियम फ्लेम पे करेंगे क्योंकि अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो चिकन गलेगा नहीं, पानी ड्राई हो जाएगा। सही है। अच्छा सफ़ा, एक और ब्रेक आ रही है, बिल्कुल, ये तो हम ढक के रख देते हैं, ये हमारा रहेगा, बिल्कुल। हाँ। ये हम लोग जो है वो प्रॉपर इसको कम्प्लीट भुनाई वुनाई करके रखेंगे। दूसरी रेसिपी में कुछ आपने रोस्ट वोस्ट करना था ना? वो जी बिल्कुल, रोस्ट करना है जाने से पहले। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि हम जो दूसरी रेसिपी है हमारी अंगारा चिकन की, जिसके अंदर रोस्टिंग के लिए पैन में, मैं आपको बताती चलूँ कि हम ये वाला दे दें कि हम रोस्टिंग में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये ब्लैक पेपर, हाँ, 1 टीस्पून ये रोस्ट करके, रोस्ट करना है ये, ठीक है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर लिया हमने, ज़ीरा लेना है हमने, ठीक है। अच्छा, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर ये, हाँ, हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, ओवर रोस्टिंग नहीं करनी नहीं तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। 1 मीडियम साइज़ की हम इसमें सिनेमन स्टिक ले रहे हैं, इसके साथ साथ हम इसमें जो है ये रेड होल चिल्ली हम ले रहे हैं। सही है, 4 से आप ले लें, 5 से 6 ले लें, ठीक है। इसके साथ ये हमारे पास साबुत धनिया है, आपने इसको जो है 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड कर रहे हैं साबुत। अच्छा, ये अंगारा चिकन, ये अंगारा चिकन की रेसिपी है जी, कर चुके हैं, ठीक है, ये मसाले जो सारे रोस्ट करेंगे और पीस लेंगे, और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, पीस लेंगे, कूट लेंगे। सही है, बस ये है, ये है टोटल, टोटल, ठीक है जी। अब हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये मसाला भी पीस के रखा हुआ होगा, चावल भी हम छान के रख लेंगे,
मसाला पक रहा है, आप लोग एक ब्रेक लीजिए और ज़रा गौर कीजिए, सोचिए, कॉल करके बताइए कि आज आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं जब हम बात शुक्र की करते हैं। क्या चीज़ें ऐसी जहन में आ रही हैं जिसका कभी आपने शुक्र ना किया हो। एक ब्रेक। हम आ गए वैसे। अच्छा। नहीं नहीं, कर लो अपना काम, मत रुको। चलो जी, हाँ, हमने इसमें ऑयल डाल देना है। ठीक है, सही। वो सारे जो गरम मसाले आपने लिए थे, जो मैंने दिखाया था गरम मसाला, वो सब वो मैंने इसके अंदर रोस्ट करके और इसको ड्राई मतलब कर लिया, इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया। अंगारा चिकन साथ, जी अंगारा चिकन के लिए सबसे पहले जो है वो मैरिनेशन है। तो मैरिनेशन के लिए एक बोल ले लें जिसके अंदर ये चिकन हमारे पास जो है वो हाफ के जी चिकन है। अच्छा, ये चिकन बोन वाली है। हाँ, बोन के साथ है। ठीक है, इसके साथ साथ अब इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ठीक है। और जो है इसके अंदर ये सुर्ख लाल मिर्ची इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 tablespoon। अच्छा, ये जो सुर्ख लाल मिर्ची है ये सिर्फ कलर्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर तीखा इतना नहीं है। अच्छा, सही है। तो हम 1 tablespoon भर के ले रहे हैं। ये वो कश्मीरी वाली, कश्मीरी, एग्जैक्टली कश्मीरी लाल मिर्ची, कलर अच्छा है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे 1 tablespoon सूखी मेथी। अच्छा, सूखी मेथी हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1 teaspoon हमने यहाँ पे जो है वो हल्दी लेनी है जस्ट। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने इसमें ये टोमेटो प्यूरी हाफ कप है मेरे पास। अच्छा। हाफ कप टोमेटो प्यूरी हम ये पूरी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हाफ कप टोमेटो। और इसके साथ ये मेरे पास ड्राई क्रश अनियन है, फ्राइड अनियन है, ये मैंने पहले से इसको फ्राई करके और इसको क्रश कर लिया, ये हाफ कप है। ये भी सही है, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, ये टमाटो प्यूरी आपने बाजार वाली ली? नहीं नहीं, ये मेरी होम मेड है टमाटो प्यूरी, ये घर की टमाटो प्यूरी है। इसके साथ हमने इसके अंदर जो है वो हाफ कप दही ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ हाफ कप हिसाब लगा लें। सफ़ा, ये किसकी रेसिपी है, कोई खास? ये भी मतलब मैंने अपनी मम्मा से सीखी है। अच्छा, ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। ठीक है, मम्मा शो देख रही हैं? हाँ, देख रही हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे मम्मा की कॉल मिलाते हैं ना ज़रा, मम्मा से बात कर लेंगे हम, नंबर देना। अच्छा, अच्छा जी, ना वो अगली ब्रेक में ले लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं ये सब डाल दें, और इसके साथ हमने जो है वो 1 teaspoon थोड़ा सा नमक हसब जायका। ठीक है, अच्छा ये सारे मसाले जो हैं इसमें डाल के हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा ऑयल हमने इसको हीट पर रखा हुआ है, इसके अंदर हम ये अच्छे से फुल मैरिनेशन करेंगे इसको। सही है, और ये जो हमारा ड्राई मसाला है जो हमने किया है मेन, हाँ, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा। ये डाल के हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इसकी मैरिनेशन में या ऑयल में? नहीं नहीं, मैरिनेशन हाँ। में अच्छा, ही हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ये पूरा का पूरा जाएगा? जी, ये पूरा मसाला इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, सही है। ये इसकी एक अलग, इसकी जो स्मेल है ना वो अरोमा इसका बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छी आई है। ठीक है, अच्छा। लौंग काली मिर्ची ज़ीरा, साबुत धनिया और लाल गोल मिर्चें। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छे से मैरिनेट करें और इसको हम चढ़ा, ये हम डायरेक्टली अब पैन के ऊपर चढ़ा देंगे। अच्छा, ये मैरिनेशन, अच्छा अभी तो हम मिक्स कर रहे हैं तो हम सेम टाइम भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बनाने से 20-25 मिनट पहले भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम सेम टाइम, हमें मिक्सिंग बतानी थी तो मैं सेम टाइम करी। अच्छा, अब ये सारा जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये ऑयल के अंदर ये सब ऐड कर देंगे। चलो जी, ये भी मज़े की लग रही है। एक तो वो थाली फिश हम ज़रूर जी, नानी की रेसिपी, नाना की रेसिपी। नाना भी कुकिंग करते थे? नाना बहुत अच्छी कुकिंग करते थे। अच्छा। मतलब हमारे, मतलब जो खानदान के अंदर है ना, हाँ, कुकिंग का शौक बहुत है। अच्छा। हमारे मेल फीमेल दोनों में, मेरे मामू बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। अच्छा। और मेरे फादर बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। अच्छा। मोस्टली जो है, हाँ, मोस्टली जो है वो संडे के अंदर मेरे बाबा का भी बना रहे होते। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि खवातीन अच्छा नहीं बनाती थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा, पर एक वो शौक, तो वही शौक मुझमें भी डेवलप हो गया। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो चिकन ऑयल के अंदर हमने डाल दिए, अब इसको हम अच्छे से जो है वो
भूनेंगे चिकन को ऑयल के अंदर, फिर उसके बाद हमने इसमें जो टमाटर और जो दही का जो पानी इसके अंदर आएगा उसी के अंदर हमारी चिकन जो है वो गल जाएगी। तो हम इसको जो है वो ढक्कन को बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए, 15 मिनट में चिकन वैसे गल जाती है, तो हम 15 मिनट के लिए जो है वो इसको रख देंगे गलने के लिए। जब आपकी चिकन अच्छी सी गल जाए फिर उसको आप डिश आउट करें। बस इतनी इजी और इतनी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी टू कुक है। सही है, नाइस। हाँ जी, कोई कॉलर शॉलर है? साहिवाल से फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? बहुत अच्छी, बहुत खुश अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी, बहुत खुश अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। कल आपने शो देखा था हमारा? नहीं, एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ, इसलिए मैंने कल आपका शो नहीं देखा था। अच्छा, आज छुट्टी है। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम शुक्र तो अदा करते हैं अल्लाह ताला को, लेकिन आज थोड़ी सी क्रिएटिव होकर शुक्र करते हैं। यानी कि क्रिएटिव चीज़ों पर ज़रा सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका आपका कभी ध्यान ना गया हो कि अरे ये तो मैंने शुक्र ही नहीं कभी किया इसका। कुछ ऐसा जहन में आ रहा है? जैसे जैसे सबसे पहले चीज तो यही आती है कि अल्लाह ताला ने हवा दी है, उसके लिए हम लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं। हमारे लिए एक बहुत कैजुअल सी चीज है। हाँ ना, बहुत आम सी चीज है, लेकिन हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हवा, हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। हाँ, अल्लाह ताला ने दरख्त दिए हैं, पौधे दिए हैं, ये वैसे हम लोग खूबसूरती के लिए मतलब देखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता कि इनसे हमें मतलब लकड़ी भी मिलती है और अल्लाह ताला ने उनको ऑक्सीजन वगैरह के लिए भी दिया है। बेशक बेशक, तो हम कभी तो शुक्र कर सकते हैं ना अल्लाह ताला को इन चीज़ों का भी, है ना? हाँ जी, हट कर अपने औलाद कारोबार सेहत से हट कर, तो ये आज का हर चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए, मतलब आपकी हर आई गई सांस से भी शुक्र अदा अल्लाह ताला का ही करना चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ ये कहना जायज़ नहीं ना कि अल्लाह ताला तेरी हर नेमत का शुक्र है। अब हमें नेमतें गिननी भी चाहिए, देखनी चाहिए, एक एक चीज़ का शुक्र करें हम अल्लाह से, तो अल्लाह भी खुश होगा कि अरे वाह भाई, ये तो भाई इसकी नोटिस में ले रहा है। उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आज की रेसिपी फॉलो कीजिए, लाजमी शामिल कीजिएगा। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, और यहाँ पे हमारे बिरयानी का मसाला जो है वो पानी जब तक खुश्क होता है, जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, फिर उसके बाद हम इसमें जो है वो ये ड्राइड अनियन डालेंगे। ये हम मैंने क्रश कर लिए, तल के क्रश कर लिए, थोड़ी सी प्याज, क्योंकि ये तीन मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है वो दम के लिए रख दी है, जो हम ऊपर से जो है वो डालेंगे। और जो है वो समझ ले दो प्याज जो है वो मैंने क्रश करके हम सालन के अंदर डालेंगे, बस सही है बिरयानी के। बिरयानी सही है जी। हाँ जी, जैसे सूरज के लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि रोज़ निकलता है और इस कायनात को रोशनी देता है, ना सिर्फ रोशनी बल्कि एनर्जी देता है, हमारे लिए अच्छा है, फसलों के लिए अच्छा है, जो हम सब्ज़ी फल खाते हैं वो सूरज ही की वजह से सारी एनर्जी पकड़ के वो उगती है, तो इसका भी शुक्र है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिनका शुक्र अदा कर सकते हैं और हमारा ध्यान जाता नहीं है, है बैक ऑफ द माइंड, हाँ अल्लाह शुक्र है तेरा, तूने हमें इतने अच्छे से रखा हुआ है, लेकिन लेट्स बी स्पेसिफिक, लेट्स बी क्रिएटिव ऑन आर ग्रैटिट्यूड। तो ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, हाँ ब्रेक ले, जा सकते हैं ब्रेक पे, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद क्या करेंगे? बस ब्रेक से आने के बाद फिर हम उसके बाद अपनी थाली फिश स्टार्ट करेंगे। थाली फिश, ठीक है जी, ये तो मिस नहीं करनी है हमें। एक ब्रेक के बाद आते हैं और फिर शुरू करते हैं, ठीक है? आ जाएं जी, इंतज़ार हो रहा है ब्राउन और चूरा कीवी प्याज डालने के लिए। हाँ, अब सफ़ा आप डाल सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो इस वक्त हमने अच्छे से अपनी चिकन जो है वो गल चुकी है, तो इसमें अब हम अपनी इस टाइम पे हम प्याज ऐड कर देंगे। ये बिरयानी का मसाला है। अच्छा, मेरे पास ये हाफ कप जो है वो क्रश्ड अनियन है, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं अपनी ये डाल, ठीक है। तीन प्याज को बारीक चॉप, बारीक चॉप करके और ब्राउन किया था, ब्राउन किया था थोड़ी, जिसके अंदर थोड़ी मैंने बिरयानी के लिए रख दी है, बाकी मैंने इसे। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस, नाइफ, ये रख, नाइफ उधर है। अच्छा, दूसरा ये कोयला भी हमने रख दिया है, क्योंकि ये जो बिरयानी का मसाला है इसको हम कोयले का धुआँ देंगे, तो कोयला दहक रहा है, महक रहा है, चिकन अंगारा
रखी हुई है। ओहो क्या कलर आया अंगारा का, हाँ फुल रेड हॉट। इसमें बाय द वे कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। ये जो आपने मसाला भून के जो इसमें डाला है था ना, और सूखी मेथी, नाइस रेसिपी सफा। अच्छा इसके साथ हम इसमें जो है ये लेमन जूस है ये इसमें डाल देंगे, बिरयानी वाले मसाले में डाल देंगे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम नसरीन। हेलो। हेलो नसरीन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बस ठीक हूँ, जुकाम हुआ है खाली। ओहो अल्लाह ताला आपको जल्द ठीक करे। अच्छा इसमें हम लेमन जूस ऐड करें। जी नसरीन क्या कहना चाहेंगे आज की रेसिपी? ये कह रही हूँ कि शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ धूप मिलती है, अच्छे फ्रूट मिलते हैं। वाह वाह, वो चीज कहीं पे भी नहीं है, कहीं नहीं तो हमारे पाकिस्तान में है। चारों मौसम मिलते हैं, हवा मिलती है, हर मौसम का मजा लेते हैं, सर्दी गर्मी बिल्कुल। थक दिए तो कर गए मर गए, नहीं हमारा मुल्क इतना जन्नत है, जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई में ये बात तो सच है अल्हम्दुलिल्लाह। बस राती बाबा साथी हैं वो भी हमारी ना शुक्रियों से, पता नहीं हमारी कौन सी गलती है। बेशक बिल्कुल, सोचना चाहिए कि कहाँ हमने ना शुक्री की, जहाँ हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। बिल्कुल वो सोचना चाहिए शिकायत नहीं शुक्र करना है। वो शायद मैंने भी किया हो कभी ऐसा, मगर ऐसा नहीं किया। मैंने ये देखा कि मुझे रिटर्न में मेरे बेटे का मिला, मैं बड़ी परेशान थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, सही बिल्कुल, करोड़ों रुपए जाया हो गए, दे दिए लोगों ने, मगर मैंने देखा कि अल्लाह ने मुझे मेरे बेटे के इस रूप में वो चीजें दे दी। हाँ नहीं, मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसा होता है कि कुछ वो मैंने फिर शुक्र अदा किया कि अल्लाह मेरा शुक्र है कि मेरा बेटा है तो मैं इतने अर्ज कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, तो बस आज यही है, थोड़ा सा हमने कहा दिमाग पे जोर डालते और कुछ ऐसी चीज़ नहीं, हमारा मुल्क का जन्नत है भाई। हाँ ये बात तो बिल्कुल है, देखें यहाँ पर इतने हमें डोमेस्टिक हेल्प इतनी अच्छी मिल जाती है, घर के काम काज करने के लिए आपको दवा नहीं मिलेगी, आपको कहेंगे टाइम दो, कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिखा देते हैं हम लोग। बिल्कुल आसानी से फार्मेसी से जाकर हम मेडिसिन भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मदद हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, ये चीजें हमारी हैं। हाँ ये तो है, ये तो गौर नहीं करते इस पे। बिल्कुल सबसे पहले हम कुछ ना कुछ बुराई कर रहे होते हैं। खैर एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन, ये चाहिए कोयले के लिए? हाँ, मुझे ये कोयले के लिए चाहिए। हाँ, तो कोयले। अच्छा देखिए हमारा बिरयानी का मसाला आप देख रहे हैं, ऑयल कितना अच्छा सा ऊपर आ चुका है, बहुत मज़े और ये जो है ऑलमोस्ट हमारा मसाला जो है वो डन है। अब इसके अंदर जो स्मोकी बेसिकली जो बिरयानी है, ये मोस्टली लोग जो मतलब जो है वो टिक्का बिरयानी होती है तो उसमें स्मोक होता है, बट मेरी बिरयानी का ये है कि विदाउट टिक्का बिरयानी मैं स्मोकी बिरयानी बनाती हूं। तो वो कोयले का जो है वो हम इसमें स्मोक देंगे। ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी हो चुका है सालन बिरयानी का, इसके अंदर हम लोग जो है अभी चूल्हा बंद कर देंगे और ये हमारा कोयला जो है वो हम इसके अंदर डाल के स्मोक देने के लिए। सही है। अच्छा चिकन अंगारा चिकन भी एक से आपको वो चाहिए, टोंग चाहिए? हाँ टोंग चाहिए। ये वाला यूज़ कर सकते हैं गरम तो प्लास्टिक का, मुझे यही है कि अच्छा ठहरो मैं यहाँ ढूंढती हूँ, आई थिंक यहाँ पर ये ले लो। हाँ बंद कर दो, चलो जी स्मोक दे देते हैं और फिर ये तवा फिश, नहीं तवा नहीं थाली थाली फिश, इसमें हमने ये दो ऑयल को स्प्रिंकल करना और इसका ढकना। ठीक है जी, बिरयानी का मसाला आप सिर्फ तय लगेगी, तय में आपको पता ही है कि यही हरा धनिया। अच्छा हरी मेरी जो है वो बिरयानी की हम तय नहीं लगाते, देख अच्छा किस तरीके से होता है ना सारा मसाला नीचे, तो मैं उस तरीके से जो है वो बिरयानी का उसको मतलब? दम लगाऊंगी, लाइक सारा मसाला नीचे होगा और अच्छा, चावल डायरेक्ट ऊपर, बस सही है ठीक है, तय वाली नहीं है बिरयानी। हाँ, वो तय का अब तो खैर वो कमी होती है कि एक लेयर। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने जो है वो स्मोक के लिए रख दिया है, ठीक है, और यहाँ अपने अंगारा चिकन को आप देख लें कितना अमेजिंग कलर आया है इसका, सफा की शक्ल इतनी प्यारी सी, स्माइल भी बड़ी प्यारी है ना। क्या हाल था? अच्छा देखिए आप कह रही हूँ वकार, आप क्या कह रहे हैं कि हाँ ये सीरियस रहती है? मैं सीरियस बहुत सीरियस करके काम कर रही है ना? नहीं ऐसे एक्चुअली जब आपको एक काम करते हो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट होता है ना, तो वो चीज़ है।
कि शक्ल भी अच्छी रखो और काम भी करते रहो, बड़े टेंशन होती है। अच्छा यहाँ पे आप देखें ये मसाला है, थोड़ा सा हम यहाँ पे अपनी जो है वो चूल्हे के आँच को तेज़ करेंगे, ठीक है। जब हमारा ये ऑयल अच्छे से आ चुका है, अब इसी ऑयल के अंदर हमने अच्छी सी इसको जो है वो भुनाई करनी है, ठीक है। भुनाई करने के बाद फिर ये भी हमारा जो है वो डन है, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो अपनी थाल फिश की तरफ जाएंगे। थाल फिश के लिए सबसे पहले जो है हमने जो है, मुझे बताओ इसकी कोई मैरिनेशन वगैरह है? नहीं, इसकी मैरिनेशन वगैरह नहीं है। हाँ, फिर क्या करना हमने इसके अंदर? हमने फिश को जो है वो नॉर्मली मैंने इसको जस्ट नमक लगा के 20 से 25 मिनट के लिए रखा और इसको वॉश कर लिया, ठीक है। अब इसके साथ जो है वो हम पैन के अंदर इसको नॉर्मली जो है वो शैलो फ्राई करेंगे, अच्छा ठीक है। फ्राई करके और इसको जो हमारा थाल है उसके अंदर हम मतलब प्लेटर करेंगे, फिर उसके बाद हमने ये मसाला अपना रेडी करना। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं ना कि हम उसको फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अंगारा चिकन भी रेडी हो रही है, थोड़ी सी भुनाई है, बाकी लेयर्स लेयर कह रही हूँ जो चावल डालने हैं वो हम होगा तो ब्रेक में डाल देंगे। उसमें यही आप हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, बिरयानी पुदीना, रंग जो भी जिस तरह भी बिरयानी को सजाते हैं वो कर लेंगे, सही। अच्छा, क्या चाहिए पकड़ने के लिए? पकड़ने के लिए ये हटाना है? हाँ ये उठाना। ये कहाँ कर रहा है? ये वहाँ रख देते हैं ना, हो गया ये यहाँ पे। हाँ चलो, यहाँ पे हम इसको, ये एक काम करो, ये प्लेट रख दो, प्लेट रखो तो मैं उसके ऊपर रख देती हूँ, बस। थैंक यू, ठीक है जी। अब हम इसको फ्राई करते हैं, अगर कोई ब्रेक है तो हम जा सकते हैं, हम टाइम है अभी, कोई बात नहीं। ये लो, अच्छा यहाँ तो मछली को हम फ्राई करते हैं शैलो। ये कौन सी मछली ली है? अच्छा ये है पॉम्फ्रेट मछली, पॉम्फ्रेट लिया, पॉम्फ्रेट है। और ये इसी तरह से, अच्छा कोई थाल वाल का भी देख लेना तक सर्विंग हम उसी तरह से करेंगे। तो ये आपकी फैमिली में कब कब बनती है दावतों में? ये मोस्टली जब सर्दियों का सीज़न आता अच्छा। है तो उसके अंदर जो है ये तो छोटी साइज़ है, इससे हाँ। भी एक बड़ा साइज़ आता है, अच्छा वो टाइप की मछली बनती है और वो काफ़ी सारे लोग जमा होते हैं तो अच्छा। वो बहुत एक बड़ा सा थाल मेरे अच्छा। नाना बनाते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो ये इसका खड़ा टाइप मसाला कुछ है? इसका सारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा मसाला होता है इसका। इसके अंदर इमली भी है, ऐड होती है इसके अंदर। अच्छा, वैसे हमारा ये एक ऑलरेडी डन हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी डन। इसको भी हम अभी डिश आउट कर देते हैं ब्रेक में, और ब्रेक में आप ये मछली को भी शैलो फ्राई करना है तो हम शुरू कर देते हैं। ये लीजिए ऑयल, ये चूल्हा ऑन नहीं है, हाँ चूल्हा नहीं जल पा रहा ना आपसे, ये दबा के रखना है ताकि वो गैस पकड़ेगा ना तो फिर फ्लेम। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना और बिल्कुल हमने गोल्डन ब्राउन उतारना है, बहुत डार्क कलर नहीं उतारना, क्रिस्पी नहीं करना, ठीक। जस्ट हमने फिश को कुक करना है, ठीक है, ठीक है। और क्योंकि स्किन के साथ है तो वो स्किन के साथ है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमने ये ऑयल लिया है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम अपने ये फिश को डायरेक्टली, ठीक है। ये कितने पीस हैं इसमें? आ जाएंगे दो पीस आएंगे है ना, दो दो करके चार पीस हैं, ठीक है। मैं सोची थी कि कोई बड़ा होता तो हम उसमें एक खट्टा डाल देते। रेडी है ये चिकन, क्या चखते हो ना ज़रा अंगारा चिकन, मसाला भी अच्छा लग रहा है और चिकन भी, चिकन के तो होटल वाली बना दिया आपने, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो अपनी फिश को जो है वो हम फ्राई करने के लिए हमने रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये छोटी फिश थी तो ये इजीली हो जाएंगी इसके अंदर। बहुत मज़े किए और ये गरम नान के साथ, बहुत रोटी के साथ, सादे चावलों के साथ, A1। ये रेसिपी मैं ज़रा स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ उसको ना। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो अपना मसाला, सॉरी फिश को हम लोग जो है वो फ्राई करने के लिए रख दें। यहाँ पे हम अपना फिश का जो है वो मसाला बनाना शुरू, ठीक है। हम ये थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करवा देते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं तो फिश का मसाले में क्या क्या डालेगा इसके बाद पता चलता है। बहुत मज़े का बना है भाई। सफ़ा के हाथ में ना काफ़ी जायका है क्योंकि ये अंगारा चिकन भी बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार बनी है, मतलब बिल्कुल होटल वाली नहीं होती है। अक्सर हम खाते हैं कहते हैं ये क्या है, ये चिकन 65 है, ये क्या है, इस तरह का एक चलती है ना, तो ये
मसाले वाली। अच्छा ये देखिए हमारी जो है मछली हमने ये तल के निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ पे चूल्हे को बंद कर देंगे और दूसरी तरफ हमने जो है वो अपनी बिरयानी को जो है वो दम लगा लिया है, दम लगाने के लिए रख दिया। अच्छा बिरयानी के दम लगाने का तरीका ये है कि हमने जो है सब सारा मसाला नीचे, ठीक है, उसके अंदर हमने टॉपिंग्स के अंदर जो है पुदीना, हरा धनिया, साबुत हरी मिर्चें और थोड़ा हमने दही डाला है, दही काफी सारा डाला है ना आपने वो मसाले के ऊपर 4 टेबल स्पून, क्योंकि वो जो दही है वो दही अपना जो पानी छोड़ेगा उसी के अंदर जो एक कनी कच्ची हमने छोड़ी थी उसी में हमारे राइस फुल कुक्ड हो जाएंगे। मतलब वो पूरे मसाले में आपने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और वो दही और जो है हमने जो प्याज बताया था चावल डाल के और हमने केवड़ा वाटर के अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के उसके अंदर हमने कर दिया। सही है। और ब्राउन चिली यहाँ पे जो है हम थाली फिश की भी मैं बताती चलूँ कि हमने थाली फिश के लिए अपने फिश को जो है वो फ्राई कर लिया, शैलो फ्राई कर लिए और अब इसका मसाला चढ़ा देते हैं। अच्छा ये दम के अंदर जो है वो हमने तेज आंच में पहले दम देना है, एक से डेढ़ मिनट जब लगे कि आपको स्टीम बन रही है जैसे फील हो रहा है फिर अब आपने बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है। डन है जी। एक कॉलर है, ठीक है। हेलो, यहाँ पे हमने ऑयल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा है जी, मम्मा की कॉल आ गई। शाहीन जी जी कैसी हैं आप? भाई ये बेटियां तो बिल्कुल आपकी शक्ल की हैं। मैं शाहीन जो है वो किसी और चैनल पे एज ए मेकअप आर्टिस्ट कई सालों से काम कर रही हैं तो मुझे अभी पता चला। अच्छा तो ये मामा से बात करने दो, आप अपना काम करो, चलो आप करती रहो। हाँ ये बहुत सीरियस काम कर रही है ना, थोड़ी सी ये वो हो गई है, थोड़ी एक्साइटेड या तो थोड़ा सा ये नर्वस हो रही है। नहीं मैं बताऊँ, अदरवाइज ये बहुत चुलबुली है, इतनी बातें करने वाली बच्ची है। डाल दो बेशक, आप डाल दो, ये फर्स्ट टाइम है तो इस वजह से ये थोड़ी सी नर्वस हो रही है। अच्छा नहीं मैं बताऊँ शाहीन, ये नर्वस नहीं हो रही है, ये बड़े डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रही है तो इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो खैर कोई बात नहीं, हमें यही सीखना है इससे। बट रेसिपीज नो डाउट बहुत मजे की लेकर आई है। अच्छा बहुत मजे का बना, ये हमारे माशाल्लाह ये हमारे वालिद साहब बनाया करते थे वो यही बता। और जी जी ये पम्फ्रेट जो थाल फिश है ये हमारे वालिद साहब बहुत मजे की बनाया करते थे, तो ये हमारी खानदानी डिश है, एक की बिरयानी की भी और एक की नहीं, सब बहुत अच्छी रेसिपीज है इसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा है। और ये अपने मेकअप का भी वो कर रही है तो अब इस तरह बिल्कुल रुझान आया है माशाल्लाह, बस दुआ कीजिए कि अल्लाह कामयाब करे। सही है जी, बिल्कुल दुआ करेंगे। और कैसा लग रहा है टीवी पे देख के? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, शो बहुत अच्छा है। थैंक यू माशाल्लाह सब कुछ। सफा को कुछ कहना है कह दें फिर, कोई मशवरा दें। कैसी हो बेटा सफा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत नर्वस हो रही हो? मैं नर्वस हूँ, बहुत अच्छी है ये होस्ट, बहुत अच्छी है अपने खाने में अच्छे से अच्छा बनानी। सही है। चले ठीक है, चले सही है, अपना ख्याल रखिए, हम जरा रेसिपी फॉलो करते हैं। थैंक यू। अच्छा यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टीस्पून, सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ये सब जो है मेथी दाना डाला है, इसके साथ मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा डाला है, जीरे के साथ मैंने यहाँ पे 2-3 लौंगे डाली हैं और 1 मीडियम साइज हमने जो है वो सिनेमन स्टिक लिए। अब इसको हमने अच्छे से इसके अंदर जो है वो रोज जो है सौते कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट फॉलो करनी मस्ट है ना जी, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है। अब इसके साथ साथ ये मेरे पास जो है वो कुटी हुई हरी मिर्चें, ठीक है, कुटी हुई हरी मिर्चें हम इसमें ले रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा ठीक है, इसको आपने अच्छे से जो है वो ऑयल के अंदर सौते करना है। इसके साथ मेरे पास ये कड़ी लीव्स हैं। अच्छा ये हम इसके अंदर 4 से 5 हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। क्या ऐसे का मसाला है? जब तक ये हमारा मसाला जो है अदरक लहसुन और ये जो हरी मिर्चें ये अच्छी सी ऑयल के अंदर जो है वो भुनेंगी, फिर इसके साथ साथ हम लोग जो है वो अपनी टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, फिर सारे स्पाइसीज ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हम लोग अपना ये ऐड करते हैं। सही है,
मछली का मसाला भी मजे का जी, मछली का मसाला बिल्कुल, इसका मसाला जो है वो इसके अंदर ये होता है थोड़ा सा खट्टा मीठा इस टाइप का मसाला, क्योंकि इसमें हम इमली भी डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा मसाला देता है। अच्छा यहाँ पे जो है वो हमने लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से इसके अंदर हो गया है, तो हम इसके अंदर जो है वो टोमेटो प्यूरी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है वो टोमेटोज भी ऐड कर सकते हैं साबुत, लेकिन हम इसमें फ्योरी का मसाला जल्दी थोड़ा अच्छा रहेगा जल्दी, तो हम इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून भर के टोमेटो, घर के टमाटर हैं पीस लें उनको, तो वो थोड़ा सा जल्दी भी गल जाएगी। अच्छा, होम मेड प्यूरी है, ठीक है, मैंने बाहर से नहीं ली है, मेरी घर की है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने अच्छे से जो है वो मसाला सही है। अच्छा इस पॉइंट पे हम यहाँ पे अब नमक, नमक हमने जो है वो इसमें हसबे जायका ऐड करना है, नमक ऐड करेंगे इसमें, पीसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, वो हमने जो है वो इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऐड करना है, ठीक है, इसके साथ साथ पीसा हुआ धनिया हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करना है, और यहाँ पे सिर्फ लाल मिर्चें। अच्छा देखिए हमने यहाँ पे जो है कुटी हुई हरी मिर्चें भी यूज़ करी हैं, ठीक है, तो अब जिसको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ करें, तो मैं जो है वो 1 टीस्पून जो है वो सही है अपने रेड। अच्छा और ये हरी मिर्चें आपने वो बारीक वाली ली है या थोड़ी? नहीं बारीक वाली, जो छोटी हरी मिर्चें हैं उसको, जी बिल्कुल। यहाँ पे हमने ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है, तो ये मसाला थोड़ी सी हम हल्दी भी ऐड करेंगे इसके अंदर, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, सही है। अच्छा इसमें कोई प्याज वगैरह दही वगैरह वो एंड में, अभी हमने ये मसाला आप देख रहे हैं ये अच्छे से भूनना, जब ऑयल ऊपर आ जाए मसाले को अच्छे से जब हम भून लेंगे, फिर ये मेरे पास फ्राइड ड्राइड जो है वो क्रश की हुई अनियन है, ये मैं इसमें डालूंगी, दही डालूंगी और इमली का जो है वो हम 1 टेबल स्पून भर के हम इमली का पल्प डालेंगे, बस ये भाई ये रेसिपी है। सफा आपको पसंद है रेसिपी? बहुत पसंद है और मतलब इसकी तारीफ भी बहुत है, बहुत जब मैं बनाती हूँ घर में तो बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, स्पेशली स्मोकी बिरयानी और इसकी बहुत अच्छा तारीफ होती है। बिरयानी भी चखेंगे, ये अंगारा चिकन तो भाई नंबर ले गई है काफ़ी, अब बाकी की चीज़ें भी देखते हैं। लेकिन आप लोग भी इतने सालों से मसाला चैनल देख रहे हैं, कुकिंग शोज़ देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन को भी अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये रेसिपी होगी ट्राई वाली। खाना जो है वो हर कोई बना लेता है, लेकिन खाने का जो है वो हर एक चीज़ जो एक इंग्रेडिएंट उसका एक अपना फ्लेवर है, और हर चीज़ को मतलब एक टाइम पे उसको ऐड करना एक अपना जो इसका एक अपना टेस्ट होता है उसको ज़्यादा इन्हांस करना वो हर किसी के मतलब नहीं होता, डिफरेंस होता है। हालांकि बिरयानी बहुत लोग बनाते हैं बट किसी के हाथ में बहुत टेस्ट होता है, रेसिपी सेम होती है तो किसी के हाथ में जो है वो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। जैसे गोश्त का सालन एक भून के भुनाई करके बनता है और एक हर चीज़ इकट्ठा बनती है, तो दोनों का फ्लेवर बिल्कुल फर्क आता है। अच्छा यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं मसाला अच्छे से मेरा भून गया, तो इस पॉइंट पे अब मेरे पास ये जो है ये फ्राइड अनियन है, मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है यहाँ से चम्मच ले लेती हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबल स्पून हाँ ठीक है भर के मुझे लेना है, सही है ठीक है। और दही? अच्छा पहले मैं इसको पहले भूनूंगी फिर इसके बाद दही, इसको अच्छे से मैंने भूना है, अगर मैं इस पॉइंट पे दही डाल दूंगी तो प्याज जो है वो पानी छोड़ देगी और फूल जाएगी, अच्छा वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं देगा। तो पहले हमने मैंने आपको इस बताया ना कि हर एक चीज़ का अपना एक टाइम है, बिल्कुल तो ये पहले डाल के ये हमने यहाँ पे जो है वो अच्छे से इसको भुनाई करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें जो है वो 2 टेबल स्पून हम इसमें दही डालेंगे, ठीक है ठीक है, फिर उसके साथ वो पकेगा। और फिर ये थोड़ा सा ड्राई मसाला होता है, ड्राई होता है, और ये फिश को आपने अलग से फ्राई करके और जब उसके ऊपर डालते हैं और वाइट राइस के साथ। फिश उसमें नहीं डालते? नहीं, हमने जस्ट मैंने बताया ना हम थाल, बेसिकली ये थाल होता है उसके अंदर, ये थाल के अंदर फिश रखी जाती है और ये सारा मसाला फिर हल्की सी आंच में उसको हम दम देते हैं, अच्छा फिर वो खुशबू एकदम आ जाती है, ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारी प्याज भी अच्छे से हमने इसको गोल्डन हो गई है, दही इसमें ऐड करेंगे, दही सही है, ये वाला ले लो इसको फिर, हाँ ये हाँ जी, ब्रेक भी आ रही है, हम ब्रेक भी ले लेते हैं और फिर हम आके मीठा जो है वो आप बना रही है, चॉकलेट डिलाइट हम मीठा बना रहे हैं, बहुत ही इजी क्विक मीठा है वो भी, वैसे ही खाने पीने के शौकीन है पूरे ख़ानदान वाले घर वाले, बिल्कुल, और कुकिंग के भी शौकीन है, तो आई एम श्योर ये चॉकलेट डिलाइट भी मज़े का होगा। अच्छा हम ब्रेक ले लें? हाँ ब्रेक ले लेते हैं हम, और इसमें अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ बस हमने इसमें पकाएंगे दही और इसके साथ हम जो है ये इमली है मेरे पास, ठीक बस इसका जो पल्प है वो 1 चम्मच में भर के डाल दें इमली का खट्टा के लिए, ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं मीठा स्टार्ट करेंगे। बात करने का मूड नहीं हो रहा,
आ गए। अच्छा मैं ये कह रही थी कि बात करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा और बिरयानी इंजॉय करने का बहुत मन है। ये कैसी लगी आपको बिरयानी? बहुत मज़ेदार है। थैंक यू। मतलब कि मुझे उसकी जो रंगत दिखी है ना कि सफ़ेद चावल, कोई लाल लाल टाइप मसाला नहीं, इतने हिसाब से वो कलर आया है जो आपने जर्दे का डाला है, काफ़ी सारा आपने वैसे डाला था और दही डाला था, बहुत मज़े की खुशबू, चिकन गली हुई, मसाला A1 और मैंने मछली का भी मसाला चखा थोड़ी सी मछली के साथ, ओ हो बहुत मज़ेदार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये ऐसे खाने वाकई में अगर घर पर हों तो बाहर जाने का आप बिल्कुल इरादा ना करें। आज की बिरयानी, मछली और अंगारा चिकन टॉप पर है, मस्ट ट्राई, नंबर वन। तीनों रेसिपीज बहुत मज़े की हैं। अभी हमारा रिकैप कार्ड नहीं चला है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, लेकिन ये रेसिपीज ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। हम फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं। आपने इस चीज़ में देखा कि कितना क्विक बना है, सफ़ा कितने दिन से कहाँ थी है, इतने मज़े के खाने आते हैं इसको और ये अब आई है हमारे शो पर। अच्छा जी, एक चॉकलेट डिलाइट है वो भी हम सीख लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब आप इतना मतलब दावत वगैरह करते हैं तो इतना जब खाना बनाते हैं तो वो थोड़ा सा बर्डनाइज हो जाता है, तो उसके लिए मीठा तो एक मैंडेटरी होता है, आपको बनाना होता है, तो उसके लिए हमने जो है वो चॉकलेट डिलाइट जो है वो ईजी रेसिपी है। ठीक है कि आप जो है जी, ये मेरे पास जो है ये बिस्किट का बिस्किट क्रस्ट है और इसके साथ जो है ये मैंने चॉकलेट सिरप, आप चाहें तो कोई भी बाहर से भी चॉकलेट सिरप ले सकते हैं, बट ये मेरा होममेड चॉकलेट सिरप है। ठीक है। इसके साथ साथ ये ब्राउनी है, ब्राउनी जो है वो भी आप मतलब बाहर से भी बना सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं और घर में भी आप बना सकते हैं। सही है। और यहाँ पे मेरे पास फ्रेश क्रीम है, बेसिकली ये एक लेयरिंग चॉकलेट डिलाइट है और गार्निशिंग के लिए जो है मेरे पास ये चॉकलेट चिप्स हैं और मेरे पास ये चॉकलेट्स हैं जो उसके ऊपर आप गार्निश के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेयरिंग जो करनी है वो हमारे ये बिस्किट है। अच्छा, ये सादे वाले बिस्किट है, ये सादे जो एक नॉर्मल बिस्किट होते हैं, ये वो टी बिस्किट। ठीक है, होते हैं एग्जैक्टली। इसका चूरा यहाँ पे हमने जो है वो बिस्किट ले लेने हैं। अच्छा, सफा तो एक ग्लास में बना रही है, आप डिश में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको बोल में भी बना सकते हैं, बट ये है कि वन पर्सन सर्विंग के लिए जैसे दावत वगैरह करते हैं तो इससे भी छोटे छोटे कप्स आते हैं तो आप उसके अंदर भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा और जबरदस्त है मीठा। अच्छा जी, शुरू। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अगर आप चाहें, वैसे तो मैं डायरेक्टली बिस्किट डाल रही हूँ इसके अंदर क्रश हुआ, आप चाहें तो मेरे पास यहाँ पे दूध भी है थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा सा स्टफ में लाने के लिए तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली बिस्किट का चूरा यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेयर हम इसकी देंगे। हाँ, आप तो कैफे रेस्टोरेंट वगैरह कुछ कर लो, खोल लो केटरिंग का। अच्छा, यहाँ पे अब सेकंड लेयर जो है वो हम इसके अंदर चॉकलेट की करेंगे। सबसे पहले हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो बिस्किट की है, इसके साथ हमारे पास ये चॉकलेट सिरप है, आप देखें ये होममेड सिरप है, तो ये अब इसके अंदर इसके साथ इसके चॉकलेट्स। ठीक है, मैं एक बोल अपना अलग बनवाती हूँ ना, पहले तो ये तैयार कर लूँ। कोई भी चॉकलेट सिरप, कोई भी चॉकलेट आप सिरप डाल सकते हैं, बाजार से बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट घर का वो सस्ता और अच्छा भी पड़ता है। ठीक है, और ज़्यादा भी आप बना सकते हैं। आपने कुछ बनाया होगा? नहीं, मैंने कोको पाउडर के साथ जो है वो इसको बनाया है दूध के अंदर। अच्छा अच्छा, इसके साथ हम लोग जो है ये ब्राउनी है, मैंने बताया कि आप बाहर से भी अगर लेना चाहें ब्राउनी आप बाहर से भी ले सकते हैं। मैंने जो है हाँ इसको थोड़ा सा हमने कट कर लेना है, पीसेस ले थोड़ा सा हमने। सही है। अच्छा जी, आज शाम 4 बजे से 7 बजे तक टेलीथॉन हमारी जारी रहेगी, हम नेटवर्क पर फ्रेयर हॉल में हो रही होगी ये, और वहाँ पर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद होंगे, हमारे मसाला के शेफ़्स भी मौजूद होंगे। अगर आप लोग भी कुछ अपना फ़ंड्स डोनेट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, खाने पीने की अशिया, कपड़े वगैरह, टेंट्स वगैरह, तो आप लोग वहाँ पर कलेक्शन जारी रहेगा, आप लोग वहाँ आकर दे सकते हैं फ्रेयर हॉल में शाम 4 बजे से 7 बजे तक। इसके अलावा घर बैठे बैठे भी आपको सारी सहूलत दी जाएगी कि अगर आपने कुछ डोनेट करना है, फ़ंड्स डोनेट करने हैं, तो वो बैंक डिटेल्स आपको उस वक्त हमारी लाइव ट्रांसमिशन में देखने को मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी फ्रेश क्रीम है, नॉर्मली मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, ये फ्रेश क्रीम मैंने इसमें डाली है। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक और लेयर जो है वो अपनी चॉकलेट की दूंगी। ठीक है, मज़े का लग रहा है, सिंपल और चिल करके खाएं इसको। और देखिए कितना इजी है, जब आप इतना मतलब खाना वगैरह बनाएं
तो मीठा ये इतना अच्छा भी है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा ईजीली है। अब इसमें चाहे जैसे डिपेंड करता है कप के ऊपर आपका कप का साइज़ क्या है, जैसे हमारा ग्लास का साइज़ बड़ा है तो हम मज़ीद जितनी लेयर्स देना चाहें दे सकते हैं, बट मैक्स मिनिमम साइज़ जो है वो इतना है तो इसमें 3 लेयर्स इनफ होती हैं। तो हम यहाँ पे एक लेयर और बना देते हैं। सही, ये आप लेयरिंग कर लें बस, हाँ जिस तरह आपने करना है हो जाएगा। अच्छा, हमारा एक रिकैप ब्रेक है, उसमें रेसिपी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आज की सारी रेसिपीज बड़े मज़े की हैं, मैंने बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू। और सब बहुत कम टाइम में इसने बना लिया, शाबाश। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद, आज तो सफ़ा ने दिल खुश कर दिया। आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आया होगा आज की रेसिपीज़ देख के। सफ़ा से तो ज़रा जाने, सफ़ा आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इजी कंफर्टेबल मुझे फ़ील करवाया। मैं सोच कुकिंग कर आई थी, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और क्या सोच कर आई थी? मैं सोचा था कि पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट टाइम है ऐसा तो नहीं, बट ये कि मुझे बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा कुकिंग करके, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, बहुत अच्छा लगा। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आया आपके साथ। चलो अच्छा, हमने आपको अच्छे से सपोर्ट किया भाई। मछली का जायका तो बहुत मज़ेदार है ना, उसका मसाला और वो फिश, वो सारा फ्लेवर आया हुआ है उसमें। सब रेसिपीज़ आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं तारीफ़ जो है वो रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को तारीफ करते करते। नहीं, नो डाउट, बिरयानी भी बहुत अच्छी और सबकी लुक भी बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच सफ़ा आपका, आप हमारे शो पर आएंगे। आपके लिए एनिक्स का गिफ्ट है, वो आपके साथ जाएगा। जाते जाते कुछ कहना चाह रही हूँ? बस मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और हंस खेल के गुजारें, खुशी से गुजारें और इसी तरीके से रेसिपीज़ को इंजॉय करें मज़ेदार फैमिली के साथ और इसी तरह मिल बांट के खुश रहिए और खाते पीते गुजारें, और खाते पीते है ना जी। चलो जी, ये रेसिपीज़ तो मेरी हो गई हैं, आप लोग मैंने नोट कर ली होगी, नहीं किया तो यूट्यूब पर आ जाता है 3-4 दिन के बाद। वैसे हमारा ये शो भी रिपीट टेलीकास्ट में आप लोग देख सकेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कराची में अगर आप लोग हैं और फ्रेयर हॉल आना चाहते हैं और फ्लड रिलीफ के हवाले से कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ज़रूर आ जाएगा। शाम 4 बजे से 7 बजे तक हमारी ये टेलीथॉन जारी रहेगी, हम नेटवर्क पर। सी यू, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। Lively weekends, lively weekends, jo bhi khaye।